उसका दोस्त माओवा रिपेयरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबका स्वागत है। आज एक नया वीडियो लेके आया, नया प्रॉब्लम है। नोकिया 105 का है, तो इसमें अभी दिखाएंगे आपको दोस्तों की प्रॉब्लम है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप कीपैड मोबाइल फ़ोन है और ये मोबाइल फ़ोन जो है दोस्तों, ठीक है, मोबाइल फ़ोन चालू नहीं हो रहा है। अगर चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी दोस्तों हम देखेंगे, क्योंकि इसने ऑलरेडी किसी दुकान को दिखाया था, ठीक है। बैटरी में चार्ज है, हम वो भी आपको दिखा देते हैं कि इसके बैटरी में चार्ज है कितना है, ठीक है। लेकिन मोबाइल फ़ोन हमारा चालू हो रहा है कि नहीं है ये भी हम आपको दिखा देते हैं। तो जैसे कि देख रहे दोस्तों, देख रहे हैं आपकी बैटरी का वोल्टेज, हम चेक करेंगे यहाँ पर कितना वोल्टेज है मोबाइल में। तो अभी देखिए कि इसको हम रखा है, अभी देखिए 4.01 02, मतलब 4 वोल्ट चार्ज है बैटरी में, मतलब मोबाइल फ़ोन बिल्कुल चालू होना चाहिए, लेकिन मोबाइल फ़ोन हमारा चालू नहीं हो रहा है। तो अभी क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो मोबाइल फ़ोन है हम अभी इसको ओपन करेंगे और देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन चालू क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारा मोबाइल फ़ोन होता है नोकिया का, वो चालू तो हो जाता है लेकिन उसमें अंदर से नहीं दिखाई देता, क्योंकि बाहर का ये जो प्लास्टिक है ये खराबी होने की वजह से इसको बहुत सारा मोबाइल फ़ोन में नहीं दिखाई देता है। इसको अभी हम चेक करेंगे कि ये मोबाइल फ़ोन जो है हमारा ये चालू है कि नहीं है, ये देखना है। तो दोस्तों देखेंगे, अभी हम बैटरी लगाएंगे इसमें, ठीक है, अभी चेक करेंगे कि ये मोबाइल फ़ोन हमारा चालू है कि नहीं। बहुत टाइम होता है नोकिया फोन में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है दोस्तों, कभी मोबाइल फ़ोन चालू होता है लेकिन डिस्प्ले में लाइट नहीं होता, उसको लाइट का प्रॉब्लम होता है। दोस्तों हम देखेंगे इसमें कि मोबाइल फ़ोन जो है चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर नोकिया लिख के आ गया है, ठीक है, क्योंकि ये बाहर से नहीं दिखता है। देखिए ये नोकिया लिख के आ गया है, मतलब हमारा इसके मोबाइल फ़ोन में देखिए चालू भी हो गया, लेकिन ये प्रॉब्लम है दोस्तों इसका कि इसमें लाइट नहीं आ रहा है डिस्प्ले में, ये प्रॉब्लम है इसका। कि दुकान में दिखाया था इसको मोबाइल फ़ोन को, लेकिन ये मोबाइल फ़ोन लाइट नहीं आ रहा, तो पता नहीं कैसे उसने मोबाइल को छोड़ दिया या उसको कुछ जानकारी नहीं था, तो शायद हो सकता है कि सब काम सब लोग नहीं जानते हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो देखिए, तो अभी देखते हैं दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम है, ठीक है, ये लाइट का प्रॉब्लम है दोस्तों, कहाँ से हो सकता है। अगर कीपैड लाइट जल रहा है दोस्तों, इसका ए वाला लाइट जल रहा है, तो मतलब इसका लाइट सेक्शन में सब कुछ सही है। अभी हमको दोस्तों ये डिस्प्ले जो कनेक्टर है, ये डिस्प्ले कनेक्टर को क्या करना है, इसी को सही तरीके से, ठीक है, उठाना है और देखना है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों लाइट सेक्शन जो होता है इसका, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर डैमेज या सल्फर की वजह से ये ख़राब हो जाता है। अभी उठाएंगे और देखेंगे कि हमारा लाइट का जो प्रॉब्लम है वो सही होता है कि नहीं होता है। देखिए यहाँ पर भी किसी ने हीट इसको उठाया था और हीट लगाया है यहाँ पर, ये वाले कैन वगैरह सब कुछ कटा के रखा है, यहाँ भी शायद किसी ने रिपेयरिंग किया था होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो सीपीयू का कैन भी बिल्कुल कटा के रखा है, ठीक है। और यहाँ लाइट में भी देखिए, लाइट में भी यहाँ पर कुछ काम किया है यहाँ पर, ठीक है, जंपरिंग लगाया होगा यहाँ पर लाइट में भी, यहाँ पर भी काम किया है। तो अभी देखते हैं दोस्तों कि ये मोबाइल फ़ोन का जो डिस्प्ले लाइट है सही होता है कि नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। कहाँ से प्रॉब्लम है ये देखना है और चेक करना है, क्योंकि सबसे पहले हमको क्या करना है दोस्तों, डिस्प्ले को ओपन करना है, ओरिजिनल डिस्प्ले है, इसको अच्छे तरीके से ओपन करना है। तो अभी क्या करेंगे दोस्तों, इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले थोड़ा यहाँ पर फ्लास पेस्ट लगा लेंगे, और हीटिंग मशीन का जो हीटिंग है दोस्तों, ये हमने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बताया था आपको कि हीटिंग मशीन का जो हीटिंग है ये इतना पे रखना है दोस्तों। बस हीटिंग का जो हीटिंग है इसको हम 250 या 300 में रखेंगे, इससे भी ज़्यादा नहीं रखेंगे, बिल्कुल 250, 260, 270 में रखेंगे। और ये पत्ता जो है दोस्तों, इसको आराम से हम इसे रिमूव करेंगे। तो देखिए हमारा जो पत्ता है इसे आराम से रिमूव हो गया, ठीक है, बस 250 या 300 हीटिंग में ये रिमूव हो जाता है। तो अभी क्या करना है दोस्तों, इसमें हम चेक करेंगे इसका जो लाइट सेक्शन होता है दोस्तों, लाइट का जो एनोड लाइन होता है ये होता है दोस्तों, ये वाला लाइन पर यहाँ प्रॉब्लम होता है। देखिए ये जो लाइट है हम चेक करेंगे अभी, यहाँ से ये जो लाइट है हमारा ये सही है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत तरीके से साफ कर लेंगे पूरा, क्योंकि अगर साफ ठीक से हम क्लीन नहीं करेंगे तो यहाँ डिस्प्ले बैटर में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर जंपरिंग भी लगा लिया है आपको शायद देखने को, और जो कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने जंपरिंग यहाँ पर लगा लिया, माइक्रो जंपरिंग लगा, देखिए दोस्तों ये जंपरिंग लगा लिया। अभी हम चेक करेंगे डिस्प्ले में लाइट आ रहा है कि नहीं, क्योंकि डिस्प्ले में प्रॉब्लम हुआ कि नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना दोस्तों, हम इसके कुछ पीपीटी पेस्ट लगा लेते दोस्तों, इसलिए क्योंकि ये बहुत ही जल्दी हमारा जो पीसीबी है, पीसीबी में हमने ऑलरेडी पीपीटी पेस्ट लगा दिया है और ये बहुत जल्दी हमारा काम हो जाएगा। इसको दोस्तों क्या करना है, ठीक है, थोड़ा इसको कट देना है सही तरीके से, कोई यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से दोस्तों, देखिए हमने यहाँ पर काट दिया इसको, क्योंकि अगर इसको थोड़ा काटेंगे तो यहाँ जो हमारा कनेक्टर है यहाँ पर हम आयरन लगाएंगे, ठीक है,
इसका इस पॉइंट पर आयरन लगाएंगे तो ये सही तरीके से हमारा डिस्प्ले बिल्कुल बैठ जाएगा। तो अभी क्या करना है दोस्तों, ऊपर से हमको सही तरीके से डिस्प्ले को मैचिंग करना है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, किसी भी काम के लिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। देखिए अभी हमने यहाँ पर इसके ऊपर जो डिस्प्ले का फैक्टर इसको हमने यहाँ पर रख दिया है, और यहाँ पर थोड़ा फ्लास्क पेस्ट हम ले लेते हैं, फ्लास्क पेस्ट की मदद से इसको बैठाएंगे तो वो अच्छे से बैठ जाता है। और अभी आयरन की मदद से दोस्तों क्या करेंगे, इसमें हम ये बाहर वाला जो पॉइंट है दोस्तों देख रहे हैं आप, ठीक है, बाहर का जो पॉइंट है जो दिख रहा है आपको सिल्वर कलर का है, उसी पर हम आयरन रखेंगे, ठीक है, उसकी मदद से डिस्प्ले हमारा ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा डिस्प्ले का जो कनेक्टर है ये हमने थोड़ा कट दिया है, क्योंकि सही तरीके से ये बैठ जाए। और तो देखिए दोस्तों ऑलरेडी डिस्प्ले जो है हमारा बैठ गया है, उसको अभी सही तरीके से पीपीटी पेस्ट लगाना है। यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा नहीं लगाना है दोस्तों, काम बिल्कुल जब भी काम करेंगे आप साफ सुथरा होना चाहिए काम, ये नहीं कि ऐसा करेंगे आप। देखिए बिल्कुल हो गया दोस्तों। अभी हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि जैसे हमने साफ किया और डिस्प्ले को जो है ऐसे हमने लगाया, ठीक है, तो देखिए दोस्तों कि डिस्प्ले जो है इसको हमने सही तरीके से अभी बैठा लिया है। अभी चेक करेंगे कि हमारा डिस्प्ले में लाइट जो है वो लाइट बिल्कुल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कभी भी दोस्तों आपकी दुकान में कोई मोबाइल फोन आए तो उसको सही तरीके से पहले चेक कर लेना है कि क्या प्रॉब्लम है उसमें, ठीक है। तो देखिए हमने अभी इसको बैटरी लगा दिया और अभी चेक करेंगे हमारे डिस्प्ले में लाइट आया कि नहीं आया। माँ मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो चैनल है यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिए, जो भी डेटा होंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और डिस्प्ले में नंबर है, जो काम सीखना चाहता है ज़रूर कॉन्टैक्ट करें।